हेलो दोस्तों, स्वागत है रेलफेंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ दोस्तों अबाउट द गुवाहाटी टू लांगटिंग के बीच में। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी टू लांगटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द दिमा आसाव पैसेंजर्स। दोस्तों, एक फिर से नया स्पेशल ट्रेन सर्विस स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। कल से 30 जून से लेके 14 जुलाई तक एक स्पेशल ट्रेन सर्विस विथ 7 कोचेस स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस अपडेट को एकदम डिटेल में जानते हैं दोस्तों। एक छोटा सा ही एक शॉर्ट वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट आप लोगों के लिए। तो जो कोई भी दिमा आसाव तक ट्रेवल करने के लिए सोच रहा है दोस्तों फ्रॉम गुवाहाटी, तो इस ट्रेन के जरिए शायद पहुंच सकता है दोस्तों अप टू लांगटिंग तक। तो न्यू हाफलॉन्ग तक अभी भी नहीं दिया गया है ये जो की सर्विस है, तो सिर्फ लांगटिंग तक ही दिया गया है ये सर्विस। तो जो लोग मंदिर दिशा आना चाहते तो वो लोग भी आ सकेंगे, या लांगटिंग तक जो भी आना चाहता है दोस्तों तो वो लोग भी आ सकता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और जो कि प्रीवियस वीडियो आज मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया दोस्तों, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो अभी आते हैं जो कि रनिंग ऑफ स्पेशल ट्रेन बिटवीन गुवाहाटी एंड लांगटिंग, जैसे कि मैंने बोली था। तो गुवाहाटी से इसका ट्रेन नंबर होने वाला है दोस्तों 05611 फ्रॉम गुवाहाटी इसका ट्रेन नंबर होने वाला है, जो कि 30 जून से लेकर 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों लांगटिंग से इसका ट्रेन नंबर होने वाला है 056120562 फ्रॉम लांगटिंग इसका ट्रेन नंबर होने वाला है। तो एक्सेप्ट सैटरडे फ्रॉम लांगटिंग एंड ऑल्सो फ्रॉम गुवाहाटी, तो एक्सेप्ट सैटरडे, बाकी सभी दिन में चलाया जाएगा दोस्तों ये ट्रेन सर्विस। यानी वीक में दोस्तों 6 डेज चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 6 डेज जिन्हें वीक ट्रेन सर्विस चलाया जाएगा अप टू 14 जुलाई तक। तो उसके बाद जो कि आते हैं गुवाहाटी से मॉर्निंग 8:15 में इसका डिपार्चर है, 8:15 में इसका डिपार्चर है फ्रॉम गुवाहाटी। उसके बाद जो कि स्टॉपेजेस है जागीरो, सापरमुख, होजाई, देन लंका, लामडिंग, उसके बाद मंदिर दिशा, हटीखाली, दिबोलोंग, एंड उसके बाद जो कि डेस्टिनेशन स्टॉपेज है लांगटिंग। तो लांगटिंग पहुंचा दिया जाएगा 12:45 पर। जी हाँ दोस्तों, दोपहर को आफ्टरनून में इसका अराइवल है लांगटिंग 12:45 पर। तो 12:45 पर पहुंचने के बाद फिर से लांगटिंग से जो कि गुवाहाटी इसका रिटर्न जर्नी होने वाला है, तो लांगटिंग से इसका डिपार्चर टाइमिंग है दोपहर को 2:05 में, यानी 14:05 पर। जी हाँ दोस्तों, 14:05 पर इसका डिपार्चर है फ्रॉम लांगटिंग टू गुवाहाटी के लिए। और गुवाहाटी इसका अराइवल है रात को 8:20। तो दोस्तों रात 8 बजे ये जो कि ट्रेन है, तो ये पहुंच जाएगा गुवाहाटी, लांगटिंग से लेकर गुवाहाटी तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और स्टॉपेजेस वाइज जो कि अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग है, तो आप लोग देख सकते हैं ऑन स्क्रीन में, अभी आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो जागी रोड पे इसका 9:15 पर इसका अराइवल है, देन 9:17 पर, यानी सिर्फ 2 मिनट्स का हॉल्ट है जागी रोड। उसके बाद सापरमुख पे 9:55 में इसका अराइवल है, देन 9:57 में इसका डिपार्चर है दोस्तों फ्रॉम सापरमुख जंक्शन से। 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है सभी स्टॉपेजेस पर दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल 7 कोचेस का ये ट्रेन होने वाला है, जैसे मैंने वीडियो के पहले में ही बोल दिया दोस्तों। तो टोटल 7 कोचेस का ये ट्रेन होने वाला है, एक छोटा सा ही ट्रेन एक्चुअली। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो देखिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव या बेनिफिशियल लगा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, और सारी सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल में। धन्यवाद।